बहुत गंदा हो रहा है यहाँ पे, अच्छी बात नहीं है। सांस लेना भारी पड़ रहा है हमें, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल से निकल पाते हैं। तो ये हमेशा पड़ा रहता है ऐसे? हमेशा, यहाँ कभी कूड़ा हटता ही नहीं है यहाँ से कभी। तो क्या लग रहा है कि सरकारें जो है इतने बड़े बड़े दावा करती हैं, सब झूठ है, सब झूठ है, जमीन पर यही कूड़ा है, यही जमीन पर कूड़ा है, सारे जानवर खाते हैं, गाय वगैरह सारा यही कूड़ा। ये गवर्नमेंट स्कूल है, तो गवर्नमेंट स्कूल के बगल में कूड़ा घर लगता है कि जायज है? बिल्कुल नहीं, जायज नहीं है, अशुभ है, अशुभ है, कोई कूड़ा नहीं उठा, आने जाने बहुत ज्यादा बीमारी हो रही। दिवाली पे तो खुशियां आती, खुशबू आती है, तो बदबू आती। विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गोज दिल्ली तक। यहां पर एक बोर्ड लगा है, HSVP, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। और ये जो कूड़ा पानी कचरा है, यह खट्टर साहब की सरकार की वो देन है जिसको शायद दीपावली गिफ्ट के रूप में देखा जाना चाहिए। हम बात करते हैं गौ भक्त होने की, हम बात करते हैं गौशालाओं के निर्माण की, हम बात करते हैं अच्छे अच्छे राष्ट्र भक्त होने की। क्या ऐसे राष्ट्र भक्त होने की उम्मीद हमने कभी पाली है? क्या इस तरीके से कूड़े कचरे वाले गुड़गांव को हमने कभी सपने में मिलेनियम सिटी का हिस्सा होने का सपना देखा था? शायद नहीं। मोदी जी के स्वच्छता साफ सफाई अभियान को गुरुग्राम नगर निगम ठेंगे पर दिखा रहा है, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोदी जी के स्वच्छता सफाई अभियान पर क्या पोजीशन है। आइए इन्हीं से पूछते हैं, भाई साहब से पूछते हैं। भाई साहब बाइक लेके आए, इन्होंने बोला बुरा हाल है। सबसे पहले तो शुभ दीपावली, हैप्पी दिवाली। कैसा लग रहा है कूड़े वाली दीपावली? दो दिन से कोई कूड़ा नहीं उठा, आने जाने बहुत ज्यादा बीमारी हो रही। दिवाली पे तो खुशियां आती, खुशबू आती है, तो बदबू आ रही है। नहीं तो ये दीपावली पे तोहफा क्या आपको लगता है साल भर ऐसे ही पड़ा रहता है क्या यहाँ पर? नहीं उठता है हर दो दिन में, लेकिन दिवाली पे दो तीन दिन से नहीं उठा। ये बगल में क्या है? ये गवर्नमेंट स्कूल है। तो गवर्नमेंट स्कूल के बगल में कूड़ा घर लगता है कि जायज है? बिल्कुल नहीं, जायज नहीं है बिल्कुल। ऐसा होना चाहिए? नहीं उठना चाहिए। तो क्या इससे बीमारी नहीं फैलती होगी, डेंगू मलेरिया नहीं जाता होगा? क्या कहेंगे सरकार से, पार्षद से, विधायक से? भाई दिवाली था इसको, भाई अगर कूड़े उनको भी दिवाली मनानी थी तो थोड़ा बहुत उठाकर उसके बाद चले जाते, वो भी अपने घर दिवाली मनाने गए। मतलब फिर भी कूड़े की सही जगह है क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल नहीं है। चलिए ठीक है, ये मुद्दा लग रहा है, इनसे पूछते हैं। ये नाक बंद करके जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा चलिए, नाक बंद है, जवाब कैसे देंगे? हमारे लिए भी दुर्दशा वाली पोजीशन है यहाँ खड़े होकर के देखना। ये भाई साहब कूड़ा फेंक करके भी जा रहे हैं, सामने देख लो, ये भी कूड़ा फेंक रहे हैं, इनकी भी मजबूरी है, इसको कूड़ादान बना रखा है। अगर हम इनसे भी बात करें तो शायद ये बोलने के लिए बताएं। भाई से पूछते हैं कि क्या है भाई, ये कूड़ादान है क्या? ये कूड़ादान है क्या? ये कूड़ादान है, कूड़ा कूड़ा फेंकने की जगह है। ये क्या है बगल में? मालूम नहीं है, ये कूड़ा डालने की जगह बनाई गई है। चलिए शायद सरकार ने कूड़ा डालने की जगह बनाई है, और हो सकता है ऐसे ही शुभ दीपावली की बातें लोग करते हों। कन्हई गांव का यह कूड़ा घर मिलेनियम सिटी के लिए सीधे तौर पर एक बदनुमा दाग है। खट्टर साहब की साफ गोई की सरकार, विकास की बात और साफ सफाई की मोदी जी की व्यवस्था पर यह काला दाग है। कुछ लोगों से पूछते हैं, शायद ही बोल पाए। भाई साहब इस रास्ते से आप कितनी बार गुजरते हैं? दो बार। कैसा लगता है इस रास्ते से गुजरना? बहुत गंदा लगता है। तो लगता है कि गुड़गांव के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब कूड़ा होना चाहिए ऐसे सड़क पर? कूड़ा नहीं, साफ सफाई होनी चाहिए, साफ सफाई बहुत कम है। तो ये शुभ दीपावली पे गिफ्ट तो नहीं है लोगों को? अशुभ है, अशुभ है। चलिए ये भाई से पूछते हैं, कैसा लगता है दोस्त आपको इस रास्ते से गुजरना? ये कूड़ा घर है या ऐसे ही कूड़ा फेंका जाता है? तो सरकार क्या करती है इसके बारे में? तो कोई काम करने वाला है, इसको सुध लेने वाला है? कोई कोई नहीं। यहाँ देखिए अलग अलग है, साथी ऑटो चालक से पूछते हैं, ये भी चलते हैं इसमें, थोड़ा किनारे कर लीजिए। तो कैसा लग रहा है भाई साहब ये कूड़ा घर? बहुत गंदा लग रहा है भैया।
तो लगता है कि ऐसे ऐसे कूड़ा घर होना चाहिए? नहीं, बहुत गंदा हो रहा है यहाँ पे, अच्छी बात नहीं है। सांस लेना भारी पड़ रहा है हमें, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल से निकल पाते हैं। तो ये हमेशा पड़ा रहता है ऐसे? हमेशा, यहाँ कभी कूड़ा हटता ही नहीं है यहाँ से कभी। तो क्या लग रहा है कि सरकारें जो है इतने बड़े बड़े दावा करती है, सब झूठ है, सब झूठ है, जमीन पर यही कूड़ा है? यही जमीन पर कूड़ा है, सारे जानवर खाते हैं, गाय वगैरह सारा यही कूड़ा खाती है, सब खाती है। लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गाय हमारी माता है, नहीं तो गाय को कूड़ा खाने के लिए छोड़ देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सब बकवास है, देखो सामने गाय खा रही है। शुभ दीपावली हमारी तरफ से, हमारी तरफ से गुड़गांव के इस कूड़े के साथ खट्टर साहब को शुभ दीपावली, यहाँ के नगर निगम कमिश्नर को शुभ दीपावली, डीएम सीडी जो भी यहाँ का डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो उनको शुभ दीपावली, यहाँ के विधायक पार्षद सबको शुभ दीपावली। देखते रहिए, जुड़े रहिए लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक।